हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं फिर आज आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। ट्यूशन का टाइम है, बच्चे आ गए हैं और सारे बच्चे अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। सब बच्चों को मैंने वर्क दे दिया है, न्यू कॉपीज आ गई हैं, न्यू बुक्स आ गई है। तो अब हमें नए जोश के साथ और बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है? क्योंकि ये ना अब बच्चों की पढ़ाई रनिंग में स्टार्ट हो गई है। बच्चों को स्कूल में थोड़ा थोड़ा वर्क करा दिया गया है, थोड़ा पढ़ा भी दिया गया है, लेकिन मैंने बच्चों को पहले ही स्टार्ट कर दिया था कि अब बच्चों को क्या क्या पढ़ना है, किस तरह से बच्चों की आगे सिलेबस में होगा, तो मैंने अपने स्तर पे स्टार्ट कर दिया था। लेकिन अब मैं प्रॉपर चैप्टर वाइज बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करूंगी। तो आज सारे बच्चों को वर्क दे दिया, तो चलो हम बच्चों को देख लेते हैं कि मैंने बच्चों को क्या वर्क दिया है। उसके बाद हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे कि क्या आपका बच्चा ट्यूशन जाता है तो ट्यूशन पे क्या पढ़ रहा है। इसकी जिम्मेदारी पेरेंट्स की है कि वो घर पर बच्चों को देखे कि उनका बच्चा क्या पढ़ कर रहा है, ठीक है? लेकिन इससे पहले हम बच्चों को देख लेते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं और मैं उनको क्या सिखा रही हूँ। उसके बाद हम इस पर बात करेंगे कि हमें बच्चों को किस तरह से घर पर भी मैनेज करना है। अगर वो ट्यूशन जा रहे हैं तो ट्यूशन पर क्या पढ़ कर आ रहे हैं, पेरेंट्स को इसकी जानकारी होनी चाहिए और उनको भी इसका ध्यान रखना चाहिए। तो किस तरह से होगा, क्या होगा, इस पर हम बात करेंगे। पहले हम बच्चों को देख लेते हैं। क्लास फर्स्ट का बच्चा है, सेकंड में चला गया है। तो टेबल्स तो मैं डेली करवाती हूँ, उसके अलावा मैंने इसको काउंटिंग दे दी है 101 से 200 तक, ठीक है? क्योंकि इसकी मैथ्स की बुक आई है और मैथ्स की बुक में सबसे पहला जो चैप्टर है उसके अंदर यही चीज है। नंबर नेम्स मैं इसको सिखा चुकी हूँ, ठीक है? 150 तक नंबर नेम भी करा दिए हैं मैंने इसको। ये देखिए 101 से 200 तक की काउंटिंग है, तो ये मैंने इसको आज दिए। बाकी मैं इसको नंबर नेम्स यहाँ तक मैं इसको पूरा 200 तक भी करा चुकी हूँ। चलो करो बेटा। ये भी क्लास सेकंड में गया है बच्चा, इसकी बुक्स नहीं आई है अभी, लेकिन जो सेकंड क्लास की बच्ची की बुक्स है उसके अकॉर्डिंग मैं आगे बढ़ रही हूँ। हिंदी में इसको मैं हमारा देश हिंदी में लिखवा रही हूँ। इसी तरह से मैंने इसको इंग्लिश में अवर कंट्री लिखाया है, तो इससे बच्चों की राइटिंग भी नीट एंड क्लीन होगी और प्लस बच्चों को लर्न भी होगा। तो राष्ट्रीय फूल है, राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय पशु है, तो उसको इंग्लिश में नेशनल बोलते हैं, नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड, नेशनल फ्लावर। तो इंग्लिश में भी लिखा रही हूँ, इंग्लिश हिंदी में भी लिखा रही हूँ, प्लस बच्चों की राइटिंग भी नीट एंड क्लीन हो जाएगी इससे, क्योंकि बच्चा रिपीट कर रहा है और लर्न भी कर रहा है। जब ये पूरा कंप्लीट कर लेगा तो जितनी लाइन में इसको डेली करवा रही हूँ उतनी में एक साथ करवाऊंगी कि 6 लाइन लिख कर दिखाऊंगी। ये बच्ची क्लास फर्स्ट में गई है, HKG की है। इसे मैंने आज वाक्य दिए हैं। रात, हम रात को सोते हैं, वेरी गुड। तारे, आसमान में तारे चमक रहे। तितली पे क्या बनाओगे? तितली उड़ रही है, लिखो। ये क्लास थर्ड में गया है, इसकी भी अभी कॉपी बुक्स नहीं आई है, लेकिन जो दूसरा थर्ड का बच्चा है उसके नंबर नेम थाउजेंड्स वाले आ गए हैं, तो मैं इसको नंबर नेम सिखा रही हूँ थाउजेंड्स वाले, प्लस मैंने इसको हमारा देश भी लिखा रही हूँ क्योंकि इसकी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, तो साथ में राइटिंग भी हो जाती है प्लस बच्चों को लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाती है। ये देखिए मैं राइटिंग भी करवा रही हूँ क्योंकि ये रजिस्टर लेकर आया है, तो अभी फिल हो गया है, इसके बाद में अब इसकी कॉपीज बनवाऊंगी। ये कैपिटल लिखा करो फर्स्ट वर्ड 2000, ये 400, क्या है ये? 400। आपने क्या लिखा? 400। ठीक करो उसको। ये क्लास फिफ्थ की बच्ची है, इसके स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट, असेंडिंग, डिसेंडिंग, थाउजेंड वाले आ गए हैं, थाउजेंड लाख वाले, तो ये उनको सॉल्व कर रही है। मैं पूरी एक्सरसाइज में से डेली एक या दो क्वेश्चन उसको डेली पूरे पूरे करवा रही हूँ। न्यू रजिस्टर ले आई है और डेली इसको सॉल्व करवा रही हूँ ताकि बच्चों को अभी से प्रैक्टिस हो जाएगी तो आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए क्लास थर्ड का है, थर्ड में गया इस साल, इसको मैंने कल सिखाए थे राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म, और आज सिखा रही हूँ मैं एक्सपेंडेड फॉर्म 3169, 4401, 5000,
5,641, 2,341, 8,700, 6,709, 7,009, 5,632. ठीक है, वेरी गुड, करो। तो देखिए सारे बच्चे अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, सबको मैंने वर्क दे रखा है और सब बच्चे अपनी अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं। तो देखा आपने कि सब बच्चों ने वर्क, सबको मैंने वर्क दे दिया है और सब बच्चे अपना अपना वर्क कर रहे हैं। हर बच्चे को मुझे ध्यान रखना पड़ता है, पहले मैं उसको एक सम सिखा देती हूँ, उसके बाद जब बच्चों को समझ आ जाता है तो मैं उसको नया सम दे देती हूँ। तो मैं आप हम बात कर रहे थे कि बच्चे अगर आपके ट्यूशन जाते हैं तो आपको किस तरह से ध्यान रखना है। तो यहाँ जिम्मेदारी आती है पेरेंट्स की, कि अगर आपका बच्चा ट्यूशन जा रहा है तो आपका फर्ज बनता है कि वो ट्यूशन पर क्या पढ़कर आया है, आज मैम ने क्या कराया है, मैम ने जो कराया है वो बच्चों को समझ में आया है या नहीं है, तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। आपको शाम को बच्चों को एक घंटा देना ही पड़ेगा, ठीक है, कि अगर बच्चा ट्यूशन पढ़कर आ रहा है तो आते ही उसका थोड़ी देर उसको खेलने दें, उसके बाद जब आप फ्री हो शाम रात के समय तो आप बच्चों की कॉपीज बुक चेक करें कि बच्चों का कितना सिलेबस हुआ है, बच्चे को क्या आता है, बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है या बच्चे को क्या समझ में नहीं आ रहा, या ट्यूशन पर जो मैम पढ़ा रही है वो सही पढ़ा रही है, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि मैम ऐसा क्यों कह रही है, मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैंने ऐसा देखा है, मैंने एक बच्चे को देखा भी थोड़ा टाइम पहले, मैं किसी के घर गई थी तो वो बच्चा ट्यूशन जा रहा था और मैंने उसकी कॉपी ऐसे ही रैंडम उठा के देख ली कि देखिए क्या पढ़ रहा है बच्चा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मैं मुझे नई जानकारी मिलती है कि दूसरी जगह कैसा पढ़ाया जा रहा है, ये वो क्या पढ़ा, उनका तरीका क्या है पढ़ाने का, तो ये मैंने देखने के लिए उसकी कॉपीज देखी और क्या देखा कि हिंदी इंग्लिश मैथ तीनों ही कॉपी रोंग है और अभी तक वो रोंग ही चलती आ रही है, जबकि आधी से ज़्यादा कॉपी फिल हो चुकी थी और बच्चे के एनुअल एग्ज़ाम आने वाले थे, ठीक है। बच्चा छोटा था क्लास फर्स्ट का, तो मात्राएं करा रही थी मैम उसमें डेली उनको, क्योंकि बच्चों को हिंदी पढ़नी नहीं आ रही थी, स्कूल में सिलेबस आगे बढ़ चुका था और बच्चों को मात्राएं सिखा रही थी मैम। तो क्या सिखा रही थी कि ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा का शब्द लिखो, है ना, और उसमें क्या बच्चा जो मन में आ रहा है किसी भी अल्फाबेट में किसी भी अक्षर में ओ की मात्रा लिख के वर्ड बना रहा है और मैम ने चेक कर रखा है, ओट मोट कोट रोट सोट पोट, मतलब जो बच्चे ने लिख रखा है इवन वो राइट कर रखा है। इसी तरह से कैरिंग के समय या सब्ट्रैक्शन के समय, तो कैरिंग के समय बच्चे ने कैरी नहीं कर रखा, फाइव फाइव या टेन तो टेन लिखकर इधर फोर फोर एट हो रहा है तो एट लिख दिया है और पूरी कॉपी इस तरह से फिल हो रही है ना। इसी तरह से क्या बोलते हैं सब्ट्रैक्ट के सम पूरे रॉन्ग है, ठीक है, बच्चे को फोर और सिक्स, फोर में से सिक्स माइनस करना है, बोरो वाले समय सिक्स में से नीचे से फोर माइनस कर रहा है बच्चा और मैम ने राइट कर रखा है। और ये नहीं कि मैम से छूट गया गलती से, अगर छूट जाता तो मैं मानती हूँ कि गलती हो जाती है, पूरी कॉपी में मैम ने इसी तरीके से कर रखा है। अगर एक पेज पर 10 सवाल है पूरे 10 के 10 रॉन्ग थे और वो पूरी कॉपी चेक थी, ठीक है। इसी तरह से इंग्लिश में फ्रूट्स की वेजिटेबल्स की जो मैम ने हेडिंग डाल रखी थी वो खुद ने भी गलत लिख रखी थी, प्लस नीचे बच्चे ने जितनी भी स्पेलिंग थी सब रॉन्ग थी और सब राइट था। तो मैं यहाँ किसी टीचर की बुराई नहीं कर रही हूँ कि आपको पढ़ाना नहीं आता है या आपको नहीं आ रहा समझ में कि आपने बच्चे के गलत कर दिया और ऐसा नहीं है। अगर आपको पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम है या आप इंग्लिश नहीं आ रही है या आपको हिंदी नहीं आ रही, तो पहले आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, आप उस पर होमवर्क करिए खुद के, मुझे बच्चों को कल क्या पढ़ाना है, एक रजिस्टर मेंटेन कर लीजिए कि कल मैं बच्चों को फ्रूट्स नेम लिखाऊंगी या वेजिटेबल्स नेम लिखाऊंगी और उसी तरीके से बच्चों को जब वो बच्ची आए ट्यूशन पर उनको वैसा ही एज इट आप बच्चों को सिखा सकती है, ठीक है। पर प्लीज़ बच्चों को रोंग ना पड़ाए। अब यहाँ जिम्मेदारी किसकी थी, पेरेंट्स की थी, क्योंकि उन्होंने एक बार भी कॉपी को खोल कर नहीं देखा। जब मैंने बोला कि तो पूरी कॉपी रोंग है, तब उन्होंने मैम से बात की तो उन्होंने बोला मैं आगे से ध्यान रखूंगी। तो यहाँ मैं किसी की बुराई नहीं करना चाह रही हूँ कि आप गलत पढ़ा रहे हो, लेकिन इवन अगर आपको आप कमांड अच्छी नहीं है या आपने नया नया पढ़ाना स्टार्ट किया है, आपको नॉलेज नहीं है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, तो प्लीज़ पहले आप भी होमवर्क कर लीजिए,
अपना मेंटेन करके रखिए कि हम बच्चों को इस तरह से कल पढ़ाऊंगी और ये लिखवाऊंगी, ठीक है। स्पेलिंग में कहीं प्रॉब्लम है तो पहले आप सर्च करके रखिए कि इसकी स्पेलिंग क्या होती है या इस सम को किस तरह से करना है, उसके बाद ही बच्चों को कराएं। यहाँ जिम्मेदारी पूरी पेरेंट्स की है कि बच्चा क्या पढ़कर आया, तो आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। पेरेंट्स स्कूल में आके हमसे बोलते हैं, मैम बच्चों को हिंदी पढ़नी नहीं आती, इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, ये ट्यूशन भी जाता है, तो आप क्या ध्यान रखते हो ट्यूशन में, वो जिम्मेदारी आपकी, आपने कहाँ देखा। तो यहाँ जिम्मेदारी पेरेंट्स की थी कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया, बच्चा ट्यूशन जा रहा है, स्कूल गया, वहाँ से आया, खाना खाया, ट्यूशन चला गया, आया, फिर रात को खेला, खाना खाया और सो गया, तो हमारा बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है क्योंकि वो ट्यूशन जाता है। मैं खुद ट्यूशन टीचर हूँ, लेकिन मैं सबसे बोलती हूँ, मैं होमवर्क इसलिए देती हूँ, ठीक है, अगर बच्चों को समझ में नहीं आता मैम ये कैसे करेंगे, अपने पेरेंट्स से पूछना, पापा से पूछना, मम्मी से पूछना, वो आपको बताएंगे किस तरह से करना, ताकि उन्हें भी पता चले कि हमारा बच्चा वहाँ क्या सीख रहा है और क्या कर रहा है। आई होप मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपको पता लगेगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ या क्या समझाना चाहती हूँ। एज आप पेरेंट्स के लिए भी वीडियो बहुत हेल्पफुल है और ट्यूशन टीचर के लिए भी हेल्पफुल होगी कि आपको बच्चों पर किस तरह से ध्यान देना है और बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है। प्लीज़ बुरा मत मानिएगा अगर मेरी बात से किसी को हर्ट हुआ हो तो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट लिखना ना भूलें। ओके देन, थैंक यू, बाय।